से अधिक लेटर्स हमने दिए हैं, पीएस महोदय को दिए हमने लेटर्स और हमने कमिश्नर साहब को लेटर्स दिए हैं, प्रिंसिपल साहब को दे दिए, जन भागीदारी के अध्यक्ष को दे दिए। कितने लेटर्स दें हैं? आखिर छात्र लोग कब तक चुप बैठेंगे आप बताइए। जी सर, बहुत सही कह रहे हैं आप। और केवल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमीदिया कॉलेज की ही बात नहीं है, हर कॉलेज की बात है, हर स्कूल की बात है। आप सीधे जाइए और देखिए, हम आपको लेके चलेंगे, पता चलेगा आपको कि कैसे कैसी कैसी परेशानियां करे करे कैसी कैसी परेशानियां उठाना पड़ रहा है इन बच्चों को। जैसा कि गब्बर सिंह जी ने बताया, 10 साल से इनका ऑडिटोरियम बंद पड़ा है। 10 साल सॉरी 10 साल सर, आप कुछ आप खुद तो आप खुद खुद समझ सकते हैं। 10 साल एक दशक बहुत होता है। और मांगे बहुत से ऐसे बहुत चीज। और आपके पास और कौन कौन सी परेशानी सर? हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हैं। एक तो जब भी वर्चुअल क्लासेस होती हैं जी सर, तो टीचर्स को बच्चे ढूंढने पड़ते हैं जी सर ये। और जब मैं कहता हूं सर से कि आप बच्चों को प्राइवेट करिए जी सर, तो सर मुझसे कहते हैं गब्बर तुम्हारी जवाबदारी रहेगी। अब आप ये बताइए, मैं मुखिया हूं कि प्राचार्य सर मुखिया हैं? जी हाँ बिल्कुल, बच्चे ढूंढने का काम प्राचार्य सर करेंगे कि मैं करूंगा। मेरा जो दायित्व है, मैं बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ता हूं, अपने साथियों के अधिकारों के लिए लड़ता हूं, मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। हमारे यहां ब्लैक बोर्ड नहीं पुते हैं, मैंने एक दिन धरना दिया तब वो ब्लैक बोर्ड पुते। गर्मी के दिन आ गए, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं। हम आवाज क्यों नहीं उठाएं? आखिर हम उठाएंगे, आज कॉलेज में आवाज उठा रहे हैं, कल हम मंत्री जी के बंगले पे आवाज उठाएंगे और देखते हैं कैसे हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। जय हिंद जय हिंद। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमीदिया महाविद्यालय के बच्चे कितनी आक्रोश में हैं। आप देख सकते हैं, खुद देख रहे हैं, ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं है, ये सिर्फ एक महाविद्यालय की बात नहीं है, या फिर एक इंसान की बात नहीं है, एक स्कूल की बात नहीं है, पूरे कॉलेज पूरे देश का यही हाल है। सरकारी कामों के लिए अलर्ट तो हो जाता है, पैसे तो जाते हैं, चीजें बन भी जाती हैं, पर उसमें बच्चों का कुछ नहीं हो पाता, बच्चे कदम नहीं रख पाते। 5 साल 10 साल आप सोच सकते हैं, जो जब काम स्टार्ट हुआ होगा तो फर्स्ट ईयर का बच्चा सोचा होगा कि मैं फाइनल ईयर आते आते इस ऑडिटोरियम में कभी बैठ के प्रोग्राम करूंगा, कभी खूब परफॉर्मेंस दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ।